आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी कल से हमें काफी ज्यादा सजेशन मिल रही है और वीडियो का टाइटल है मेजर विक्ट्री फॉर मेक इन इंडिया सैमसंग शिफ्ट्स डिस्प्ले यूनिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। वेल वाकई में काफी बड़ी न्यूज है, देख लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फॉलो करें। हमारे फेसबुक के पेज का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, फॉलो करें। और हम देख लेते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहां पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे आप देखोगे ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की आबादी है रफली 5 करोड़ के आसपास, हालांकि नॉर्थ कोरिया की आबादी से आधी है सिर्फ 2.5 करोड़ में, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ साउथ कोरिया में बहुत अच्छी है। आज के समय एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और दुनिया भर में आज के समय आप अगर देखो तो इनका के पॉप कोरियन पॉप म्यूजिक काफी हद तक फेमस है। इसमें कोरियन महिलाएं काफी बार पुरुष मेकअप वगैरह लगा के नाचते गाते हैं, काफी लोगों का मनोरंजन होता है। मगर इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो कोरिया है आज के समय एक इंडस्ट्रियल जायंट। दुनिया की जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आज के समय बेस्ड है इन द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, सोल। और इन सब कंपनीज में से सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आज के समय कौन सा है, तो इसका आंसर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आज के समय आप कह सकते हैं नाक है कोरिया की, कोरिया की शान है। इट इज़ अ ह्यूज कॉरपोरेशन। इनके अलावा और भी कंपनीज हैं, एलजी है, हुंडई है, मगर ओवरऑल इन स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड सैमसंग सबसे ऊपर है। और हाल ही में आपको बता होगा कि सैमसंग ने मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये खत्म कर दी थी चाइना में। ये बहुत बड़ी न्यूज थी 2019 में, पहले अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद ऑफिशियली इन्होंने 2020 में कम्प्लीटली पुल आउट कर लिया चाइना से। और चाइना से पुल आउट करके ये कहां पर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं दो देशों में, एक तो है भारत और दूसरा देश है यहां पर वियतनाम। दोनों देशों के रिलेशंस बाय द वे आप अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के साथ काफी खराब है। और क्या सैमसंग के शिफ्ट होने से चाइना को कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या आप इनको कष्ट सहना पड़ा? देखिए ऑब्वियसली बात है जॉब लॉसेस यहाँ पर हुई हैं। कई शहर थे यहाँ पर चाइना में जो बसाए सैमसंग ने थे, पहले बिल्कुल वीरान एक शहर था, सैमसंग आया, नौकरी आई, डेवलपमेंट साथ में ये लोग लेके आए। अब सिंस सैमसंग पुल आउट कर चुका है चाइना से तो कई जो इनके शहर हैं ये बन चुके हैं गोस्ट टाउन्स, मतलब के कोई वहाँ पे रहता नहीं है। आप जाओगे वहाँ पर आपको लगेगा किसी भूतिया शहर में आप आ गए हैं। नाउ यहाँ पे अगला सवाल आप पूछेंगे कि सैमसंग चाइना को छोड़कर क्यों जा रहा है? देखिए इसका सिंपली एक ही शब्द में मैं आंसर कर सकता हूँ, ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट यूएस, चाइना और इवन एशिया के ट्रेड पर इतना बड़ा था कि शायद कई दशकों तक हम इसको महसूस करेंगे। ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी इसका काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है भारत को। कई यूएस कंपनीज थी, जापानीज कंपनी थी, साउथ कोरियन कंपनीज थी, इनको चाइना छोड़ना पड़ा और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया की तरफ जाना पड़ा। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर ट्रंप ये ट्रेड वॉर ना भी छेड़ते तो पॉसिबिलिटी थी कि आने वाले 4-5 साल में ये सब कंपनीज वैसे भी चाइना को छोड़ देती, क्योंकि चाइना में सिंस एवरेज वेज है ये लगातार बढ़ रही है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग आज के समय एक्चुअली काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो चुका है। तो वैसे ही ये प्रोसेस होना ही था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 4-5 साल जल्दी करवा दिया। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या चाइना ने यहाँ पर धमकी दी इन कंपनीज को कि हमें यहाँ पे मत छोड़ो, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2019 का आर्टिकल है कि चाइना ने वार्न किया था सैमसंग को, उसके अलावा कई और कंपनीज को कि यूएस हम पे जो सैंक्शन लगा रहा है, जो बैन लगा रहा है यहाँ पर, जो ट्रेड वॉर इस वक्त चल रही है इसमें यूएसए के साथ कोऑपरेट किया, मतलब कि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट करी तो हम एक्शन लेंगे। मगर सैमसंग ने इनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ही दी है। और ना सिर्फ सैमसंग ने, इवन एप्पल ने आपको बता होगा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टार्ट कर दिया है इन इंडिया। और चाइना ये सब बहुत ही ज़्यादा कीनली देख रहा है, उनकी आम जनता, उनके पॉलिटिशियंस, वो सब जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज आज के समय खड़ा कर रही हैं इंडिया को इकोनॉमिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बनेगा एक काउंटर टू चाइना। और जब भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ ख़राब होती है तो चाइनीज़ लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। हाल ही में आपको याद हुआ कि बैंगलोर के पास जो एप्पल की फैक्ट्री है, जब वहाँ पे कोई वॉयलेंस हुआ तो ग्लोबल टाइम्स, उसके अलावा चाइना के लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल चाइना इससे इम्पैक्टेड है, इनकी जो बहुत बड़ी आबादी है ये भी इसको महसूस कर रही है। तो खैर चाइना सेलिब्रेट करे, कुछ सेटबैक लगे वो सब अपनी जगह है, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनेगा ये बात तय है। और सैमसंग कम्प्लीटली कमिटेड है कि लगातार ये लोग बहुत सारे यूनिट जो हैं ये शिफ्ट करेंगे इन इंडिया।
अभी हाल ही में आप अगर देखो तो जून 20 को सैमसंग ने ये अनाउंस किया कि इन्होंने डिस्प्ले यूनिट मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कम्प्लीटली शिफ्ट कर दी है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बिल्कुल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो इन्होंने खुली भारत में, वो अपनी जगह है। मगर डिस्प्ले यूनिट सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए मैसिव 4,825 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। ये सैमसंग ने इन्वेस्ट किया है इन उत्तर प्रदेश। ये फैक्ट्री नोएडा में अब बन चुकी है। करीब 1500 लोगों को यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट रोजगार और कई हजारों लोगों को और यहाँ पर इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। और जो आइटम्स डिस्प्ले यूनिट के अंदर आती हैं वो है टेलीविजन का डिस्प्ले पार्ट, उसके अलावा मोबाइल फोन का डिस्प्ले पार्ट, टैबलेट्स का डिस्प्ले पार्ट। आज के समय आप अगर देखो तो स्मार्ट वॉचेज आ चुकी है, बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर डिस्प्ले इज ए वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। सैमसंग अपने 70% डिस्प्ले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता था इन साउथ कोरिया, वियतनाम या चाइना। चाइना अब यहाँ से लिस्ट से हट चुका है, चाइना को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इंडिया ने। तो साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडिया, इन तीन कंट्रीज़ में ही आज के समय सैमसंग ने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी है। और ये लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में ये सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास इस लेवल का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आज के समय। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये भारत में इन्होंने शिफ्ट क्यों किया? और भी देश थे यहाँ पे, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, खैर पाकिस्तान के इशूज़ हैं, और कई और देश हैं, इंडोनेशिया है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे, वहाँ पे क्या इशू था? देखो भारत ने यहाँ पर दिए हैं इंसेंटिव। यहाँ पे आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2017 के बारे में। इसके अंडर पहले तो इंडिया ने ये कहा कि आप लोग जो ज़मीन यहाँ पे परचेज करोगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी माफ़, करोड़ों रुपये यहाँ पे आपके सेव हो गए, ट्रांसफर ऑफ लैंड में स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार, ये 250 करोड़ का फाइनेंशियल प्रोविजन प्रोवाइड करेगी टू सैमसंग। मतलब कि इनिशियली कुछ लोन चाहिए, इंडिया में ही आपको जल्दी कुछ खरीदना है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ भी आपको चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर कुछ इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए यूपी सरकार ही इनिशियल लोन आपको देगी। फिर इसके अलावा इनको और इंसेंटिव मिलते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के। ये हैं 460 करोड़ के इंसेंटिव अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और आप ओवरऑल आप अगर देखो सैमसंग की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ना सिर्फ सैमसंग की, एप्पल की, उसके अलावा जो भी इनके पार्टनर्स हैं, फॉक्सकॉन, विस्त्रॉन, ये आज के समय पूरा फायदा उठा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। इनको पता है कि आज के समय कोई भी और डेवलपिंग कंट्री उस टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेगा, टैक्स में छूट नहीं प्रोवाइड करेगा जो भारत प्रोवाइड कर रहा है। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बजट बहुत बड़ा है, ह्यूज कंट्री है, वेरियस तरीके से हम अर्न करते हैं। आज के समय हम वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है ओवरऑल, तो सरकार के पास इतनी पावर है कि हम लोग ये सब इंसेंटिव दे सकते हैं और इन सब बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि बिल्कुल ये जो न्यूज़ है देख के अच्छा लगता है कि पूरा डिस्प्ले यूनिट ही चाइना से ख़त्म इंडिया में आ गया। उसके अलावा 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये एस्टैब्लिश करी गई नोएडा उत्तर प्रदेश में। 120 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स इन ईयर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं आप सब लोग मानेंगे कि हमें चाहिए एक मेड इन इंडिया ब्रांड। हम लोग अगर इतने इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस स्मार्टफोन्स डिस्प्ले यूनिट्स, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मेजर कंपनीज़ हैं, रिलायंस, टाटा, आई एम श्योर हम सब लोग चाहेंगे कि ये लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और इंडियन ब्रांड का एक फ़ोन यहाँ पर प्रोड्यूस करें। खैर ये एक्चुअली में होता या नहीं होता, दैट रिमेंस टू बी सीन। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि अन अकेडमी का एक बहुत ही यूनिक ऑफर चल रहा है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। आपको सिंपली जाना है unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो UPSC CSE GS पर और यहाँ पे क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप यहाँ पर लेते हो एक साल या एक साल से ऊपर का कोई भी पैकेज तो आपको 10,000 रुपये वर्थ की जो किताबें हैं फिजिकल फॉर्म में ये डिलीवर की जाएगी आपके घर में। जो 12 महीने का आप लोगे सब्सक्रिप्शन, इसमें एडिशनल बोनस मंथ्स आपको और मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टिल मेन्स एग्जाम ऑफ 2022। और आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ऑल फॉर 4,125 रुपीज पर मंथ। मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत कर देना, यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिर जाएंगे सिर्फ 3,713 रुपए पर मंथ में। आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर UPSC CSE, लाइव लेक्चर होंगे, आप क्वेश्चन पुटअप कर पाएंगे, लेक्चर आप देख सकते हैं फोन पर, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, वेर एवर यू वॉन्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो नो डाउट जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ रही है। और इसके साथ मैं कहूंगी एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है कि जिस तरीके से अगर हम लोग जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो हर कंट्री का ये होता है कि हम अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे लगता है कि वाकई में इंडिया ने इस चीज में काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है इस चीज को। और जिस तरीके से सैमसंग की अगर हम लोग बात करें, तो पहले हम लोगों ने बहुत देर पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें जो सैमसंग का एक प्लांट है जो कि नोएडा में था, हाँ नोएडा में, जो कि सब मतलब बहुत बड़ा एक प्लांट लगा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अभी रिसेंटली जब ये भी न्यूज सुनी कि एप्पल जो है वो भी इंडिया में आ गया, तो मतलब ये काफी बड़ी अचीवमेंट्स है इंडिया। देखिए मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि पॉलिसीज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कई पॉलिसीज ऐसी होती है कि वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है कि यार गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो है पेश तो कर दी है लेकिन ये अच्छी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये तो या तो जो इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं, उन्हें मालूम होता है। अभी इसकी बात करें तो 2017 में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसे मद्देनजर रखते हुए जो है वो जो टैक्स में छूट दी गई है सैमसंग को और जो है उसे इंडिया लाया गया है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कितनी ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है जो भी फॉरेन एक इन्वेस्टमेंट आती है। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जैसे प्रशांत सर ने अपना भी एक पक्ष रखा कि जो लोकल कंपनीज हैं उनको भी उस लेवल तक लेकर आना चाहिए और उनको भी ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी अपना एक ब्रांड पूरी दुनिया में बना सके इंटरनेशनल। बिल्कुल, अगर जो है जो ऐसी कंपनीज है जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनका एंड पे मोटिव तो एक ही होता है कि आपके मुल्क से जो कमाया हुआ पैसा है वो अपने मुल्क ले जाए, अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, उसे बूस्ट करें। तो बेसिकली इन द एंड उनका मोटिव यही होता है, बेशक वो कहीं की भी कंपनीज हैं। लेकिन जो है अगर बात की जाए अपनी सेल्फ जो कहते हैं अपनी मुल्क की अपनी कंपनियां होती हैं, आत्मनिर्भर बिल्कुल जो कंपनीज होती हैं उनका एक मजा ही अलग होता है। उनका पैसा आपके मुल्क में रहना है, आपकी इकोनॉमी उससे बहुत ज्यादा बूस्ट होगी, जीडीपी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो नो डाउट जो प्रशांत सर है उनका ये पक्ष बिल्कुल सही है। बिल्कुल, और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अब आकर जो हम लोग एक सिनेरियो दुनिया का देख रहे हैं कि जितना डिपेंडेंट पास में लोग रह चुके हैं चाइना पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपने जो आपकी प्रोडक्शन है, होम प्रोडक्शन है आपको, उस पे फोकस करना चाहिए। साइड बाय साइड मुझे लगता है कि ऐसी चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए जो कि आप भी एक्सपोर्ट कर सकें, बिकॉज मुझे लगता है टाइम जरूर लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको उसका फल नहीं मिलता आफ्टर 20-25 ईयर्स, क्योंकि मुझे लगता है इतना टाइम स्पेन तो कहीं नहीं गया एक चीज का नाम बनाने में। मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीजें भी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि चीजें कुछ ये जो होती हैं ऐसी भी होती हैं जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसे नहीं जो है वो अप्रोच दे सकते। जैसे कि हमने एक वीडियो देखी थी उसमें कहा गया था कि जो क्या भारत जो है वो हवाई जहाज नहीं बना सकता, तो नो डाउट वहां पे अगर देखा जाए तो बना सकता है, लेकिन क्या एक इंटरनेशनल जो अप्रोच है वहां पे आके कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है। लेकिन लेकिन अगर बात कीजिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लोकल जो चीजें आपकी चलनी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे गाड़ियों की भी अपनी प्रोडक्शन है, वहां पर रेलवे इंजन अपनी प्रोडक्शन है, तो हर चीज वहां पे इस्तेमाल हो रही है लोकल मेड। देखो मतलब उसमें तो बहुत बड़ी एक लॉबी है ना, लेकिन ये कि जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चीजें है ना वो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, कि जो इनिशियली तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन फिर विद टाइम क्या होता है कि चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं, लोग अपोज करते हैं आपको कि ये सही नहीं है, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जो सिनेरियो भी हम देख रहे हैं उसके लिहाज से अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, और हम लोगों को मतलब हम कहेंगे कि 1-1.5 साल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे हम कहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजंस नजर आए जो कि काफी अच्छे थे, और मैं कहूंगी कि वो भारत को और ज्यादा इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा था ना कि लोकल चीजें जब बनती है ना तो आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि आपका पैसा आपके मुल्क में रहता है, वो बाहर नहीं जाता। मैं आज सुबह ही जो है हमारे जो एक्स रेलवे मिनिस्टर हैं साद रफीक साहब, उनकी मैं जो पार्लियामेंट की डिबेट है वो मैं सुन रहा था, मुझे बहुत फैक्ट यानी कि बहुत अच्छी चीजें लगी। उन्होंने कहा कि हम जो चले जाते हैं दूसरे मुल्कों के पास तो क्यों ना हमें अपने मुल्क में जो हमारी कैरेज फैक्ट्री है, जो हमारी
लोकोमोटिव फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्शन की सहूलत अवेलेबल है, खुद बना सकते हैं आप, उन्हें मटेरियल दें तो वो बनाए। लेकिन मौसम ये जब आप खुद उस पावर में होते हैं ना, तो आपको ये सब चीजों का पता होता है, तो मैं कुछ स्टेप्स ऐसे लेने मैं वैसे ना? अगर जो है ना जो गवर्नमेंट है जिसमें जो रेलवे मिनिस्टर हैं एक्स हमारे, उनकी अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे कदरे बेहतर जो है रेलवे सिस्टम लगा। नो डाउट उन्होंने भी लोकोमोटिव बाहर से मंगवाया, उन्होंने भी पाकिस्तान जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है उसका इस्तेमाल नहीं किया, और कैरिज फैक्ट्री का उन्होंने अच्छा खासा इस्तेमाल किया। उनके टाइम पे अगर देखा जाए तो रेलवे की अगर पंचुअलिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी। वेल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मेरा स्टांस ये है कि हमेशा अब हम लोगों को टाइम ये नहीं है, स्थिति को अगर देखा जाए कि पिछले वाला थोड़ा बेटर था अभी वाला बेटर है थोड़ा पिछले वाले से, नहीं, हमें अच्छा चाहिए जो हमारी कंट्री के लिए जो अच्छे काम कर सके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत अरसे से लोग इसी तरीके से वोट करते आ रहे हैं, और कि भाई पीछे वाली गवर्नमेंट बेहतर थी क्योंकि आगे वाली हमें उससे ज्यादा वर्स मिल रही होती है। खैर ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो वोटिंग सिस्टम है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपको लगे कि भाई ये बंदा जो है ना इस इदारे के लिए परफेक्ट है, आप उसे उसी के मुताबिक वोट दें। वेल, यहाँ पर हम थोड़ी सी वीडियो की भी बात कर लेते हैं और चाइना की बात करना चाहेंगे। डेफिनेटली चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके मुझसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट निकल कर जा रही है और उसके लोगों पर भी इम्पैक्ट होगा इसका, चाहे चाइना वो प्रिटेंड करे या ना करे। लेकिन ये चीज है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपके कंट्री से निकलती हैं तो मुझे लगता है कि लोगों पर बहुत ज्यादा असर होता है, और स्पेशली इस पैंडमिक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि चाइना को काफी ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ा है। यार अगर बात करें आपकी जीडीपी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोगों के लिविंग स्टाइल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे वीडियो में बताया गया कि कई शहर ऐसे थे जो सैमसंग ने बसाए थे और वो पूरे के पूरे शहर जो है वो वीरान हो गए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि सैमसंग 20 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और इसकी दो फैक्ट्रीज हैं, एक नोएडा में है और एक तमिलनाडु में है, और जहां पर 90% हैंडसेट्स बनते हैं जो कि पूरी कंट्री में मतलब इंडिया में जो सेल होते हैं 90% वो हैंडसेट्स बनते हैं। और इसके अलावा जो है 3 R&D फैसिलिटीज यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज भी इंडिया में है। अच्छा वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यूपी जो यहाँ पर नंबर ले गया है, और अगर मैं याद हो तो हमने एक वीडियो देखी थी कि यूपी ने एक यूरोप का मुल्क है उसका नाम बहुत मुश्किल है वो मुझे भूल यानी कि ज़ेन में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा, तो उस मुल्क के बराबर जो है एक जगह उन्होंने लोट की हुई है जहाँ पे जो है जो बैन अल-अक़वामी है अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां है वो वहां पर आए और जो है वहां पर अपने प्लांट्स लगाए। बिल्कुल, हम लोगों ने ऐसी एक वीडियो देखी थी जहां पर काफी ज्यादा फैसिलिटेट कर रही थी यूपी की स्टेट गवर्नमेंट। वेल, और उसका आज हम लोगों को रिवॉर्ड भी नजर आ रहा है। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, और अपना पक्ष भी जरूर बताइएगा कि जैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और सैमसंग को लेकर जो प्रशांत सर ने बीच में बोला वो भी हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा ओपिनियन। इसके साथ ही मैं जल्द में वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।